स्वागत करते हैं भसीन साहब का। और अक्सर भसीन साहब आपको बहुत बढ़िया स्टॉक्स बताते हुए दिखते हैं, मैं आज उनको प्रीएम्प्ट करता हूं। भसीन साहब, शुभ दिन, शुभ प्रभात। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बताया था एक शानदार ट्रेड, बढ़िया मोमेंटम उसमें बनता हुआ। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको, वीरेंद्र को, और मुबारक हो, 17,300 हो गया देखते ही देखते। तो पेसिमिज्म एंड लेफ्ट आउट फीलिंग इज सो लार्ज दैट नोबडी इज एक्नॉलेजिंग द आउट परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया। अपडेट आपने आईआरबी में शुरुआत है सर, 55 में कहा था 250 का भाव आपको दिवाली तक, उसको और कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, 20,000 किलोमीटर है, 23 लाख गाड़ी गुजरी थी जून में, जुलाई अगस्त में आप सोचो कितनी गाड़ियां गुजरेंगी। तो मेरे हिसाब से इट्स अ नो ब्रेनर, 5,500 की मार्केट कैप है, 2 साल में आपको इसका भाव माने मेरे हिसाब से 350-450 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी तो 250 का टारगेट है दिवाली पे, पक्का मेरा टॉप पिक है। आपको अपडेट दे दूं, DLF 307 वाला 345 हो गया, आपका गोदरेज प्रॉपर्टी 1450 वाला 1610 हो गया, REC आपको कल दिया था 51 रुपए में, वो आज ब्रेकआउट दे रहा है, बॉश देखिए न्यू हाई मार रहा है, चोला फ्रॉम 490 हैज गॉन टू 590, और भारत फोर्स 755 वाला 803। अब दो कांस्टेंट ट्रेड्स हैं जहां मैं सोचता हूं वैल्यू बहुत है, मेरा अभी भी अप टॉपिक है UPL। UPL विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन एग्रोकेमिकल्स एंड इट्स मार्केट शेयर इज गोइंग, 750 में 52 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 725-785 का पहला टारगेट। और दूसरा भाई, अब मैं ऑटोज पे बहुत बुलिश हूं एज अ कॉन्ट्रेरियन प्ले, आपको पहले भी कहा है, अशोक लीलैंड उसके जो सेल्स है CV की और उसका जो बस मार्केट है इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, 122 में लीजिए, 119 का स्टॉप लॉस है, 128 और 30 के बीच में टारगेट।